हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सोनू एंड वाचिंग यू एसआर फिटनेस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ हमारा चेस्ट वर्कआउट शेड्यूल। तो चेस्ट वर्कआउट करने से पहले उसको मोबिलिटी करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए 5 मिनट्स हम चेस्ट को अच्छे से मोबिलिटी कर लेंगे। उसके बाद जो मेरा फर्स्ट वर्कआउट रहेगा उसका नाम है इंक्लाइन बारबेल प्रेस, और सेकेंड जो वर्कआउट रहेगा उसका नाम है फ्लैट डंबल चेस्ट प्रेस, और थर्ड जो वर्कआउट रहेगा उसका नाम है केबिल क्रॉस ओवर, फोर्थ जो वर्कआउट हम रखूंगा उसका नाम है बटरफ्लाई या पेग लेग फ्लाई, और आखिर में जो हम वर्कआउट परफॉर्मेंस करने वाला है उसका नाम है डिक्लाइन डंबल प्रेस। वो लोअर चेस्ट इंप्रूव करने के लिए बहुत हेल्प करता है। और एब्स वर्कआउट हम हफ्ते में 2 दिन रखते हैं, तो आज हम करने वाला है क्रंचेस 30x4। तो देखते हैं आज ये वर्कआउट। अभी जो फर्स्ट मेरा वर्कआउट रहेगा मोबिलिटी, वो चेस्ट के लिए या शोल्डर के लिए, चेस्ट का मसल के साथ शोल्डर भी इन्वॉल्व रहता है। तो उसको मोबिलिटी हम कैसे करते हैं देखते हैं। हाथ को पूरा वाइड करके पकड़ना है, देन पूरा पीछे एंड सामने ऐसे टेन करना है। उसके बाद ऐसे हाथ लेके लेफ्ट हैंड पुल करना है, टेन काउंट होल्ड एंड डाउन ईच साइड करना है, टेन काउंट होल्ड एंड डाउन। ए वर्कआउट ये मोबिलिटी जो होगा फॉर 5 मिनट्स, ने तो अभी हम जो वर्कआउट परफॉर्मेंस कर रहे हो उसका नाम है इंक्लाइन बारबेल प्रेस। तो देखते हैं ये वाला वर्कआउट हम कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। बेंच की तरह सेटिंग कर लेते हैं, देन पोस्चर लेना बहुत जरूरी होता है। अनलॉक, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हमको 4 सेट्स परफॉर्म करना है। तो अभी जो हम वर्कआउट कर रहा हूं उसका नाम है फ्लैट डंबल बेंच प्रेस। तो हम देखते हैं ये वाला वर्कआउट कैसे पोस्चर फॉलो करते हैं। बॉडी पूरा स्ट्रेट रहेगा, स्लाइट पैर फ्लोर पे, बॉडी थोड़ा आर्च रहेगा। मेक श्योर आपका जो डंबल है वो चेस्ट के नीचे नहीं जाएगा, एंड ऊपर पुश, स्क्वीज योर चेस्ट, स्लो डाउन, पुश, स्क्वीज योर चेस्ट एंड स्लो डाउन। अभी जो वर्कआउट हम परफॉर्मेंस कर रहा है ना वो है केबिल क्रॉस ओवर। तो देखते हैं ये वाला वर्कआउट भी हम कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। वजन ज्यादा नहीं लेना है, एकदम लाइट वेट। तो पुल, बॉडी स्ट्रेट, एक स्टेप आपको आगे आना है, चेस्ट अप, स्क्वीज योर चेस्ट, स्लो, तो अभी जो वर्कआउट हम परफॉर्मेंस कर रहा हो उसका नाम है पेग लेग फ्लाई या बटरफ्लाई। तो देखते हैं वाला वर्कआउट हम कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। बॉडी आर्च होगा, एल्बो सॉफ्ट बेंड, देन स्क्वीज योर चेस्ट, पुल एंड ब्रीथ आउट, स्ट्रेच एंड ब्रीथिंग। अभी जो वर्कआउट हम परफॉर्म कर रहा हूँ उसका नाम है डिक्लाइन डंबल प्रेस। तो देखते हैं ये वाला वर्क कैसा होता है। चेस्ट ऊपर की तरह आप रहेगा, देन डंबल मेक श्योर चेस्ट का नीचे नहीं जाएगा, पुश, स्क्वीज योर चेस्ट, स्लो डाउन। अभी हम करने वाले हैं एब्स वर्कआउट फॉर क्रंचेस। ज्यादा नहीं, हम ऐसे रेगुलर चेस्ट का वर्कआउट, एब्स का वर्कआउट करते हैं, इसीलिए एब्स में क्रंचेस 30 का 3 सेट्स रख रहा हूं। तो देखते हैं एब्स का क्रंचेस हम कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। पूरा नीचे आएगा बॉडी, हाथ हेड का पीछे रहेगा, देन जितना हो सके 1 उठने की कोशिश करना है,
टू थ्री फोर फाइव। तो अगर आपको ये वाला वर्कआउट अच्छा लगा, वर्कआउट शेड्यूल, तो फॉलो कीजिए, आपका जो चेस्ट वो अच्छी तरह से बिल्डअप होगा। ये वस्कुलरिटी एंड मसल बिल्डअप के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बाय बाय, ऐसे ही हम नए नए वर्कआउट लेके आप लोगों के पास हाजिर होंगे। आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।